पति पत्नी के झगड़े से लेकर के वर्ल्ड वॉर टू तक की कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है। और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लेके आती है ये बवाल मूवी, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये एक ड्रामा रोमांटिक मूवी होने वाली है जो कि लगभग 2 घंटे 2 मिनट की है। तो क्या कुछ खास है मूवी के अंदर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन मूवी रेट में। दोस्तों देखो, मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक छोटे से शहर का एक लड़का होता है जो कि एक फेक लाइफ जी रहा होता है, यानी कि उसको अपनी इमेज से बहुत ज्यादा प्यार होता है और वो अपनी इमेज को बचा के रखता है और लोगों की नजरों में ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करता है कि भाई मैं हूँ जो भी हूँ। तो वो एक स्कूल का टीचर होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि वो जब टीचर होने के साथ साथ में वो एक हस्बैंड भी होता है जिसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा साइलेंट तरीके से रहती है, यानी कि उसकी वाइफ से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती और वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा डिफेक्टेड पीस मानता है और इसी बात पे उन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, यानी कि उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती और बात तलाक तक पहुंच जाती है। अब दोस्तों मूवी की कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है और वो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करने लगता है कि उसको यूरोप जाना है। अब जब वो यूरोप जाने का बहाना बनाता है और जब अपनी पत्नी को साथ में लेके जाता है, तो अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएगी और उन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता कायम रहेगा या नहीं रहेगा, दोबारा वापस से प्यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और वो किस वजह से यूरोप जाता है, ये सारी तमाम चीजें जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। दोस्तों देखो, मूवी की शुरुआत जिस तरीके से होगी, जिस तरीके से एक फेक करेक्टर दिखाया जाएगा एक छोटे से गांव का, यानी कि वो जो लड़का होता है अपनी इमेज को लेकर जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करेक्टर लगेगा और आप हो सकता है वरुण धवन की एक्टिंग से कनेक्ट भी हो जाओ। लेकिन वहीं जो जाह्नवी कपूर है उनकी एक्टिंग से आप पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है आपको लगेगा ही नहीं, वो फील ही नहीं आएगा, वो इमोशनल वाला तड़का ही नहीं दिखेगा आपको कि आप उनकी एक्टिंग से कनेक्ट हो जाओ। बाकी जितने भी करेक्टर्स आपको मूवी के अंदर नजर आएंगे उनकी एक्टिंग आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की लगने वाली है और मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, फर्स्ट हाफ तक आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद मूवी एक अलग ही मोड में चली जाएगी, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। और जो वर्ल्ड वॉर 2 को कवर किया गया है, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में दिखाया गया है, तो जब आप वो चीजें देखोगे तो आप हो सकता है इमोशनली कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पर जब इतने सारे सिपाही जान दे देते हैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो चीजें जो है ना आपको इमोशनली कनेक्ट कर सकती है। बाकी जो मूवी का कंसेप्ट है वर्ल्ड वॉर 2 को लेके, वो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और जो पति पत्नी का झगड़ा है वो तो बहुत ही जल्दी कवर कर दिया जाता है, लेकिन जो मूवी का मेन फोकस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर है। तो दोस्तों आप इस मूवी की तरफ जा सकते हो और इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग करूंगा 6.5 out of 10। तो आप जब इस मूवी को देख लोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।